हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि गाय को मिल्किंग के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, मतलब कि गाय को कैसे पोषाते हैं, क्योंकि हम जाते ही दूध नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए गाय को पहले प्रिपेयर करना पड़ता है जिससे कि दूध जल्दी निकल जाए। और जिसका बच्चा रहता है उसको तो ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन जिसका बच्चा नहीं रहता है उसको बहुत ज़रूरत रहती है पोसने। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि गाय को कैसे पोसा रहे हैं। सबसे पहले तो गाय को पानी अच्छे से मार के थन को साफ करते हैं, तो थोड़ा बहुत वो तभी भी पोस जाती है। और हर गाय और हर भैंस का पोसाने का टाइमिंग अलग अलग होता है। कुछ गाय तो बहुत जल्दी पोस जाती है, लाइक एक दो मिनट लेती हैं, लेकिन कुछ गाय भैंस बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, 10-10 मिनट तक ले लेती हैं और जल्दी से पोसती नहीं है। हमारी तो गाय बहुत जल्दी पोस जाती है। तो पानी मारते टाइम धीरे धीरे पानी ना मारने की बजाय थोड़ा ज़ोर से छबक छबक करके हम अच्छे से पानी मारते हैं तो भी गाय पोसना शुरू हो जाती है। लाइक हम पानी को धीरे धीरे ना लगा के अच्छे ज़ोर ज़ोर से पानी के छिट्टे मारें थन के ऊपर तो भी वो पोसना शुरू हो जाती है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे दूध खींचना शुरू कर देते हैं चारों थनों में बराबर, धीरे धीरे, कभी आगे के थन का कभी पीछे के थन का दूध आप धीरे धीरे खींचते हो तो गाय पोस जाती है। और एक क्या होता है कि हाँ, थोड़ा सा आप बटर ले ले और चारों थनों के एक समान रूप से उनको धीरे 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 करके हाथ से ऐसे खींचते रहें तो वो पोसना शुरू हो जाती है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। हम तो ऐसे ही पोसाते हैं और हमारी गाय ऐसे ही मिल्किंग के लिए प्रिपेयर हो जाती है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। ऐसे ही चारों थनों को एक समान खींचना रहता है। ये नहीं होता है कि आप एक थन को खींचे और दूसरे थन को ना खींचे, कभी आगे के थन को कभी पीछे के थन को, चार थन को पूरा एक समान खींचना रहता है। तो हमारी गाय जल्दी ही पोस जाती है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। कुछ कुछ गाय होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पोसने में। सबका अपना अलग अलग टाइमिंग होता है, जैसे कि आप देख रहे हो पोसा रहे हैं, हम ऐसे ही पोसाते हैं। और मुझे एक बात याद आ रही है, जब मैं बचपन में हमारे घर में, जैसे कि गाँव में, मैं देखती थी कि जब भैंस नहीं पोसती थी, दूध नहीं देती थी, तो वहाँ पर एक इंजेक्शन आता था। वो इंजेक्शन एक बोतल में, कांच की बोतल एक छोटी सी आती थी, उसमें उसकी दवाई रहती थी। और जो बहुत ज़्यादा लोग, अगर भैंस दूध नहीं दे रही है, भैंस जब लास्ट टाइम हो जाता है भैंस का दूध देने का, तो वो लोग इंजेक्शन लगा के दूध निकालते थे और हम लोग भी निकालते थे इंजेक्शन लगा के दूध। लेकिन जैसे ही बाद में अवेयरनेस हुआ कि ये इंजेक्शन में केमिकल होता है, वो दूध में भी आता है, तो फिर लोगों ने इंजेक्शन लगाना छोड़ दिया। और अभी तो पूरा ही बंद हो गया है, अब बिल्कुल भी इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। दूध दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक, लेकिन पहले जब मैं छोटी थी तो मैं देखती थी कि पड़ोसियों से मांग मांग के लेके आते थे इंजेक्शन, और इंजेक्शन सभी लगाते थे और सभी के घर में आपको इंजेक्शन मिलेगा। लेकिन बाद में गवर्नमेंट के अवेयरनेस के कारण वो इंजेक्शन बैन भी कर दिया गया और अभी कोई लगाता भी नहीं है, क्योंकि उसका जो इफ़ेक्ट था वो मिल्किंग में भी आ रहा था। इसलिए तो अभी आप देख सकते हैं कि शुरुआत में कैसे थन थे और अभी थन मिल्किंग के लिए जैसे कि प्रिपेयर हो गए हैं। ये आपको खुद को भी नज़र आ रहा होगा, तो आप देख सकते हैं थन मोटे मोटे हो गए हैं, दूध निकालने के लिए तैयार हो गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गाय जो है कि मिल्किंग के लिए प्रिपेयर हो गई है। हम लोग ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं गाय को मिल्किंग के लिए। और जिन्होंने मुझसे पूछा था, आई होप उनको अपना आंसर मिल गया होगा। हम लोग तो ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं
और कुछ गाय भैंस ज़्यादा टाइम लेती है तो कुछ जल्दी पहुँच जाती है, बस इतना ही फर्क रहता है। बाकी पहुँचाने का तरीका यही रहता है कि थोड़ी देर चारों थनों को एक समान हाथों से खींचना रहता है, खींचते टाइम थोड़ा थोड़ा सा दूध निकलता रहे या फिर पानी डालते टाइम अच्छे से छींटे मारे तो थोड़ी देर हाथों से थन को सहलाते रहें। तो यही तरीका होता है पहुँचाने का, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। आई होप आपको वीडियो में देख के समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो और आपको क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता देना। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स कर देना। थैंक यू वेरी मच। बैटरी की लाइट तो गई, फुस हो गई बैटरी की लाइट तो। अच्छे से पाव से गई क्या हो गया? जल्दी जल्दी निकालो। गाय के पैरों के बीच में से दिखा रहे, पैरों के बीच में क्या दिखेगा? ये तो पैर दो सकड़े का मछली। हाँ ऐसे खींच के निकालना। नहीं नहीं निकालो, कुछ बोल रहे थे निकालने के लिए। नहीं नहीं कुछ दर्द थोड़ी होता है, गाय को दर्द नहीं होता थोड़ी। लास्ट में खींच के निकलता है लास्ट का, बिना खींचे सारा दूध निकलता नहीं है, खींचे बिना। तो ये बैटरी है ना, शुरुआत में तो अच्छी जलती है, फुल जलेगी, और धीरे धीरे इसकी सारी रोशनी चली जाती है। खाली पावसाने का बना रहे थे, मिल्किंग भी बन गया। खाली पावसाने का बना रहे थे, मिल्किंग भी बन गया साथ साथ। आज तो खूब बारिश हुई है, टपक 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 लगा पड़ रहा है। साइड बंद करी, कुएं में पानी कितना ऊपर आ गया। कुएं में बूंद गिरती है तो कितना अच्छा लगता है ना, देख देख कुएं में बूंद गिर रही है। ना बूंदा कैसे दिख रहा है तेरे मोबाइल में अंदर? कैसे? अबे मोंटी ये टूट जाएगा ऐसे, जाओगे ना बच्चे का काट का लिया है।
क्या बोला था बोल दो।